हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है 50 किलोमीटर की चाल से गतिशील कार ब्रेक लगाने पर न्यूनतम 6 मीटर दूरी में रुकी जा सकती है। यदि यही कार 100 किलोमीटर पर आवर चाल से चल रही है तो रोकने के लिए न्यूनतम दूरी होगी। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इसके उत्तर कुछ इस प्रकार हैं, ए बी सी डी। तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि यहाँ पर एक कार जा रही है, कोई मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ब्रेक लगाने पर यह 6 मीटर की दूरी पर रुक जाती है। अब क्या बोल रहा है कि अगर एक स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो ये दूरी कितनी होगी, ये फाइंड कीजिए। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर चूँकि देखिए, अगर हम बात करें तो कार रोकी जा रही है, यानी जो हमारा त्वरण है वो मंदन के रूप में लगेगा, और जो हमारा फाइनल वेलास्टी है यानी त्वरण जो है मंदन काम करेगा, और वी जो है हमारा जीरो होगा क्योंकि लास्ट में वो रुक रहा है। तो अगर हम गति के तृतीय नियम का यूज करें तो ये होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। अब ये होता है 2as। पहले के लिए अगर हम बात करें, फर्स्ट के लिए अगर हम बात करें, तो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड कंडीशन है। तो यहाँ से अगर वी देखेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम कितना u1 मान लेते हैं, जो कि हमें दिया है, इसको हम वैल्यू जो है लास्ट में पुट करेंगे, और ये हो जाएगा माइनस 2a। ये दूरी हम इसको ले लेते हैं s1। तो यहाँ से अगर हम s1 की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, u1 स्क्वायर बटे 2a। ये हमने वैल्यू प्राप्त कर लिया। अब चलिए हम बात करते हैं, अब हम 2 के लिए बात करते हैं, अब हम इसके लिए बात करेंगे। तो वी इसका हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, ये जो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है हम इसको u2 मान लेते हैं, माइनस 2as2। अब यहाँ पर हम जो है s2 का अगर मान देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा u2 स्क्वायर बटे 2a। अब s1 और s2 को हम सिंपली डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा s1 बराबर आ जाएगा u1 स्क्वायर बटे 2a, और ये आ जाएगा हमारा u2 2a। तो सिंपली यहाँ से हम जो है यहाँ से इसको हम ये 2a से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, u1 स्क्वायर बटे u2 स्क्वायर। हमसे पूछा क्या है, हमसे s2 की वैल्यू पूछा है, तो s2 बराबर हो सक लिख ले सकते हैं, s2 बराबर हो जाएगा हमारा u2 स्क्वायर u1 स्क्वायर इंटू s1। अब चलिए यहाँ मान रख देते हैं, u2 का मान है 100, तो ये हो जाएगा 100 × 100, और नीचे u1 का मान है 50, तो 50 का ये हो जाएगा, और s1 की वैल्यू कितना दिया है 6, तो इसको हम 4 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 6, यानी जो हमारा फाइनल होगा ये होगा 24 मीटर। तो अब जो है अगर हम देखें तो अगर वेग हम दुगुना करने पर, यहाँ हमारा वेग 50 था, यहाँ 100 हो गया, वेग दुगुना करने पर हमारा जो न्यूनतम दूरी होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना, यानी हमारा आंसर जो है 24 होगा। थैंक यू।